नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS News। लोकसभा 6 की 8 सीटों के प्रथम चरण में मतदान हुए संपन्न। मुरादाबाद में शुक्रवार को पहले चरण की वोटिंग शांतिपूर्ण संपन्न हुई। मतदाताओं में मतदान के प्रति खासा उत्साह दिखाई दिया। बताते चले, वोटिंग एक महत्वपूर्ण क्रिया है जो हमारे लोकतंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुबह 7 बजे से ही बूथ स्थलों पर लंबी कतारें दिखाई दे रही थीं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर अपने पसंदीदा प्रत्याशी को सांसद बनाना चाहते हैं। इस दौरान वोट करने आए युवाओं के मुताबिक अयोध्या में श्री राम मंदिर बनाने के मुद्दे और नोटबंदी जैसे फैसले पर वोट किया गया। वहीं मुरादाबाद मंडल आयुक्त ने अपनी धर्म पत्नी के साथ नवीन नगर अम्बेडकर जूनियर हाई स्कूल में बनाए गए पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट डाला। तो इधर आर्यन इंटर कॉलेज बूथ में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने मतदान किया। दरअसल सुबह 9 बजे तक मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र की पांचों विधानसभा में 11.76% वोटिंग हो चुकी थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी अपनी धर्मपत्नी के साथ वोट डाला। इधर महापौर विनोद अग्रवाल ने मतदान कर बोले, विकसित भारत के लिए मतदान किया है। उधर भाजपा प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह ने अपने गांव में ही मतदान किया। तो इधर नगर विधायक रितेश गुप्ता ने अपनी धर्मपत्नी अल्पना गुप्ता के साथ वोट डाला। इंडियन गठबंधन सभा प्रत्याशी रुचि वीरा ने विभिन्न बूथों का भ्रमण करते समय हुई नोक झोंक। दरअसल मुरादाबाद लोकसभा सीट पर पहले चरण के मतदान में बूथ कैप्चरिंग के आरोप व नोक झोंक के बीच 7.05% मतदाताओं ने वोट डाला। अंसार इंटर कॉलेज में बने मतदान केंद्र के बाहर पुलिस व सपा प्रत्याशी रुचि वीरा में तीखी नोकझोंक हो गई थी। जोशी के लिए अपनी सरकार चुनने के लिए हमें मतदान करना है। लोग अपने घरों से निकले, बिल्कुल अधिक से अधिक मतदान करें। अरे फ्रेम खराब हो गया भैया। लोग अपने घरों से निकलकर अधिक से अधिक मतदान करेंगे। लोकतंत्र के उत्सव में अपनी भागीदारी निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। हमारी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के 10 वर्ष के कार्यकाल को लेकर, उनका पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर, उनका काम का लेखा जोखा लेकर, जो हमारी सरकार ने 10 वर्षों में काम किए हैं, हमारी सरकार ने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आस्था, परंपरा और विरासत को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं। निश्चित रूप से हमने सारा विषय माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने श्री मुख से देश की, प्रदेश की महान जनता के सम्मुख रखा है। मुझे विश्वास है कि हम लोग अपने घरों से निकलकर एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन देंगे। जब से और एक वर्ष से पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में उन्हें घोषित किया था, वो लगातार देश के बीच में है। और हमारा लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी की सरकार में उन सब विषयों को पूरा किया है जो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्रों में, घोषणा पत्रों में या हमारे कमिटमेंट। सर आज बीजेपी माननीय प्रधानमंत्री जी इन सब विषयों को लेकर लगातार जनता के बीच में है। पहले चरण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरठ, सहारनपुर और पीलीभीत में सार्वजनिक कार्यक्रमों में जनता को संबोधित किया है और जनता के बीच में लेखा जोखा रखा है। आज दूसरे चरण में माननीय प्रधानमंत्री जी अमरोहा लोकसभा में हम लोगों को संबोधित करेंगे। और हमारे लिए गर्व की बात यह है कि हमें दिखाने को और बोलने के लिए जो काम जमीन पर हमने किए हैं हमारी सरकार ने, उन कामों को लेकर प्रधानमंत्री जी का साथ एक को एक कार्यकर्ता भाजपा का जनता के बीच में है। हमने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सब पर बहुत अच्छे काम किए हैं। और सरकार ने आस्था, विरासत, परंपरा और संस्कृति को लेकर हम जनता के बीच में है। मुझे विश्वास है उत्तर प्रदेश की महान जनता अब की बार 400 पार का जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से पूरा करेगी।